बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में अमान में रखे। शाहीन अख्तर व्लॉग में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदेद। आज की जो रेसिपी है वो भिंडी का सालन है, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ भिंडी का सालन, जिसके लिए भिंडियाँ मैंने आपको दिखा दी थी। 1 किलो भिंडी है, प्याज थे और जो टमाटर है वो मैंने चॉप कर लिए थे। फिर उसके बाद ये लहसुन के चंद जमे हैं, तो फिर हम आज बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने तेज चूल्हे पे रख दिया और भिंडियों को पहले करेंगे हम फ्राई। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि छोटी सी वीडियो है कैसी बनी है। और प्लीज़ मेरे हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत नहीं सेट, तो जिसकी वजह से मैं चैनल पे वर्क नहीं कर पा रही। तो भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, जब तक इनके अंदर ये लेसदार जो होती हैं वो ख़त्म नहीं होती, तब तक मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद मसाला भूनूँगी और फिर भिंडियाँ इसमें ऐड करूँगी, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो सब दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जब भी वीडियो पे आया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। छोटी सी वीडियो बनाते हैं हम और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, और मेरा वॉच टाइम मज़ीद गिरता चला जा रहा है। प्लीज़ आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वॉच टाइम अगर कोई बढ़ाने में हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करने में थोड़ी सी हेल्प कीजिए। तो भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी थी, अभी मैंने भिंडियाँ निकाल दी थी, और फिर उसके बाद मैं अब इसमें प्याज ऐड करूँगी, प्याज और सब्ज़ मिर्ची। तो भिंडियों के साथ सब्ज़ मिर्चें ना हो तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी प्याज़ों को, फिर उसके बाद सारे मसाला जात बीच में डालेंगे, फिर उसके बाद हम भिंडियाँ ऐड करेंगे। ये हमारे प्याज अब लाल होना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए हमारे प्याज अब लाल होना शुरू हो चुके हैं, तो हल्के हल्के प्याज लाल होंगे क्योंकि हम खड़ा मसाला दार भिंडी बनाते हैं, बहुत मसाला सॉफ्ट वाली भिंडी नहीं बनाते। बच्चे भी माशाल्लाह शौक से खा लेते हैं, सब घर के अफराद जो हैं वो शौक से खाते हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें करेंगे मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए। मैंने आधी चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच मैंने मिर्च का लिया है, और आधा चम्मच ये मैंने लिए नमक। और इसके बाद मैं अब इसमें मसाला भुना जाएगा, तो फिर इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, हमारे घर में दरअसल मुर्गियाँ तोते वगैरह सब कुछ हम लोगों ने रखे हुए, तो इस वजह से वो बोर हैं पीछे से, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो कैसी बनी थी। अब मैं इसमें भिंडियाँ डालूँगी जो मैंने फ्राई की थी, अब मैं इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ये रेसिपी बनी थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। तो ये देखिए हम भिंडियों की बुनाई हो रही है, और जब तक घी बाय नहीं आता तब तक मैं इनको फ्राई बुनाई करती रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये भुन जाए। मैंने दरअसल मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ, कैमरा स्टैंड थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इंशाल्लाह वो लूँगी, तो फिर उस पर रख के वीडियो बनाया करूँगी। अब देखिए हमारी भिंडियाँ जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो चुका है, तो इस वजह से अब हम इनकी बुनाई का एंड करेंगे।
तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ो अमान में रखे। नई वीडियो नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर।